हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल RBS क्लासेस बक्सर में स्वागत है। और यहाँ पर आज प्रेरक प्रसंग में एक कहानी सुनाएंगे। कहानी जो है ये आपको आँखों देखी कहानी है जिन्होंने इसको लिखा है, और ये कहानी लोकल भी है और हमारे आसपास ऐसी घटनाएं घटती है। क्या घटनाएं हैं? घटनाएं ये है कि हम लोग पढ़ करके भी, समाज में शिक्षित होकर के भी मानवता को नहीं समझ पाए हैं। आज हमारे पास शिक्षा होकर के बहुत बड़ा डिग्री भी मिल जाता है, ज्ञान भी हासिल हो जाता है, ऐसा लोग समझते हैं, क्योंकि डिग्री से आज मूल्यांकन होता है कि कोई कितना पढ़ा लिखा है। लेकिन मानवता, इंसानियत नहीं हो पाता है। आम गरीब व्यक्ति में जो भावना की उसमें भरा हुआ, आप कह सकते हैं कि सुगबुगाहट होती है, वो झिलमिलाहट होती है, जो दया करुणा की भावना उसमें उमड़ता रहता है, वो एक दूसरे के काम आता है, वो सबके बीच नहीं आ पाता है। ये भावना कैसे उन्नत हो, कैसे अच्छा हो, ये हम सबको समझने की कोशिश करनी चाहिए और सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो कहानी जो है इसका टाइटल क्या है, उसका टाइटल यही है, एक दुकानदार के सेंस में। एक दुकानदार कह रहा है, जो बात उन्होंने कहा है वही इसका टाइटल है। क्या कहा है उन्होंने? वो कहते हैं कि मेरे यहाँ, दुकानदार कह रहे हैं कि मेरे यहाँ यानी मेरे दुकान पर ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आता है। क्या ग्राहक और इंसान अलग है? आप सोचिए, विचार करिए कि कोई दुकान पर आएगा, जो भी खरीदार आएगा खरीदने के लिए, वो ग्राहक होगा। स्वाभाविक है कि खरीदने वाले को ग्राहक कहते हैं, लेकिन क्या वो जानवर होगा? मानव नहीं होगा, इंसान नहीं होगा? ये सवाल है कि ग्राहक और इंसान अलग हो गया है। अभी ग्राहक भी आदमी ही है, लेकिन आदमियत नहीं बचा है, इसलिए वो ग्राहक सिर्फ ग्राहक है, वो जानवर से कम नहीं है, वो इंसान नहीं है। इंसान कोई कोई होते हैं। तो दुकानदार यही कहते हैं कि हमारे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, दिन भर भीड़ लगा रहता है, व्यक्ति के रूप में हम जानवर को देखते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आता है। इंसानियत हम कई जगह देखते हैं, कहीं भी परख सकते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण दुकानदार अपने सामने घटी घटना के बारे में ले रहे हैं और उनको सामने रख रहे हैं। बनारस में दुकानदार कौन है? बनारस के हैं। बनारस में एक चर्चित दुकान है और लस्सी का ऑर्डर देकर, वहाँ पर दुकान में लस्सी लगा लगा करके लोग बेचते हैं। लस्सी दही से बनता है, बनारस की लस्सी बहुत फेमस है। तो लेखक वहाँ पर ग्राहक के रूप में ही गए हैं और दुकानदार के सामने लस्सी लेकर के पी रहे हैं, वहाँ पर बैठे हैं, इस मकसद से वहाँ गए हैं, कई लोग वहाँ पर हैं। तो ये कह रहे हैं लेखक महोदय कि बनारस में एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि मतलब जैसे गए और दो चार दोस्त मिलकर के गए थे लस्सी पीने के लिए, और लस्सी जब तक बनता तब तक हम लोग बातचीत कर रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे की टांगें खींच रहे थे बातों बातों में। उसी समय एक लगभग 70-75 साल की बुजुर्ग स्त्री, यानी 70 प्लस है तो बूढ़ी औरत है, बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। आप जब बाजार चलते होंगे तो मांगने वाले कई लोगों को देखे होंगे, वो जेंट्स हो सकता है, लेडीज हो सकता है, आजकल बच्चे भी मांगते हैं, पहले विकलांग मांगते थे, अगर शरीर से दिव्यांग हैं, कोई शरीर में कमी है, असमर्थ हैं कमाने खाने में, तो वो मांगते थे, उनको लोग दया की भावना से कुछ मदद करते थे, चाहे वो भोजन देता हो, चाहे पैसे से देता हो, या कोई कपड़ा दे देता था, तो ये मदद होता था, उसके जीवन यापन का सहारा होता था। आज कुछ लोगों के चलाकी से, कुछ लोगों के धूर्तता से
ये व्यवसाय बन गया है। कुछ लोग जानबूझकर के ये काम करने लगे हैं, कुछ लोग व्यवसाय का धंधा बना लिए हैं ये, कि मांग करके पैसे जमा करेंगे, रात में दारू पियेंगे, मुर्गा खाएंगे। कुछ लोग उससे क्राइम करते हैं, गलत हथियार खरीदते हैं, ड्रग्स का, अफीम का, दारू का, इधर उधर फिर खरीद बिक्री करते हैं, मतलब पैसे का दुरुपयोग हुआ। और ऐसे जो पकड़ में लोग आते हैं तो फिर दान करने वाले दानी जो होते हैं उसका विश्वास टूटता है कि हम दान किसको कर रहे हैं, हम योग्य व्यक्ति को दान नहीं कर पाए, मतलब हमारे दान किए हुए पैसे का अगर दुरुपयोग होता है तो उसमें हम भी भागीदार हो जाते हैं, हमको भी अफसोस होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मांगने वाले बहुत लोग होते हैं, तो इस लेखक के सामने जो मांगने वाली आई है वो और कोई नहीं, एक बुजुर्ग औरत है जो शरीर से सक्षम नहीं है कि अब वो कमा के खा सके, अपने शरीर का उपयोग वो कमाने खाने में कर सके। हो सकता है उन्होंने जवानी भर खाया पिया हो, अच्छे घर से हो, लड़के ने भगा दिया हो, आज उस औरत के पास रहने का घर नहीं, खाने का अनाज नहीं है, मांग करके अपना जीवन यापन कर रही है। ऐसा समझ सकते हैं कोई भीख मांगने वाली औरत होगी तो उनके साथ क्या घटना घटी होगी। एक लगभग 70-75 साल की बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई, लेखक के सामने ही आ गई सबके साथ मांगते हुए। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी। आप भूखे व्यक्ति को देख करके अगर आप समझदार हैं तो चेहरा से देख करके समझ जाएंगे कि बेचारी भूखी है, खाना नहीं खाई है, या फिर खाना खाई है, क्या है नहीं है उसके हाव भाव से उसको हम समझ जाते हैं कि इसकी क्या स्थिति है, मनः स्थिति क्या है, थोड़ा बहुत तो कुछ अंदाज़ा लग ही जाता है। तो उनकी कमर झुकी और चेहरे पर जो झुर्रियाँ थी, मुँह सूख रहा था, उसको देख करके समझ में आ गया कि ये भूखी है। नेत्र भीतर को धंसे हुए थे, आँख जो है ये कोटर भीतर घुसा हुआ था, सूख गई थी पूरा, ये गाल चिपका हुआ था, ये सब पहचान है कि उम्र दराज हो गई है, भूखी प्यासी है, खाना सही से नहीं मिल रहा है। किंतु नेत्र धसे तो थे लेकिन सजल थे, आंखों में पानी भरा हुआ था, रो रही थी, भीख भी मांग रही थी तो भी वो रो रही थी। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने जेब में से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ भी वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया। लेखक नॉर्मल भिखारी समझ करके उनको पैसे देने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डाले थे कि कुछ सिक्के, 2-4-5 जो 10 जो भी हो वो हम उनको दे देंगे, उनके पास हथेली हो या कटोरी हो, जिस चीज़ में वो मांग रही थी उसमें पैसा नॉर्मली लोग डाल देते हैं, उसके चेहरे को कोई नहीं पड़ता, सब लोग सोचते हैं चलो पीछा छुड़ाते हैं, हटो, तो पीछा छुड़ाने के हिसाब से ही लोग ऐसे करते हैं या मुँह फेर लेते हैं। तो लेखक भी चूँकि ये भावनात्मक व्यक्ति थे तो इन्होंने पैसे देने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डाला और डालते हुए ही पूछ लिया। क्या पूछा? दादी लस्सी पियोगी? अब उनके भूख को देख करके ये लेखक महोदय रहा नहीं गया इनसे और इन्होंने पूछ लिया कि सोचा कि पैसे लेके क्या करेगी, हम 2-4 देंगे तो क्या इसे खाना मिल जाएगा, क्या इसका भूख मिट जाएगा? नहीं मिटेगा, इसलिए इन्होंने ये पूछ लेना उचित समझा कि इनको कोई खाने भी देगा तब तो, होटल में अगर ये खाने भी जाएंगे तो इनको बैठने नहीं देगा, इनकी जो स्थिति है, इनके जो कपड़े हैं, इसको देख करके होटल वाले तो या रेस्टोरेंट वाले भी जो खाना जहाँ मिलता है वो घुसने भी नहीं देगा, तो खाएगी कैसे? इसलिए लेखक महोदय ने खुद पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी जो बूढ़ी औरत थी, दादी तो थी नहीं लेकिन बूढ़ी होने के कारण उनको दादी कहा गया, दादी कम अचंभित हुई, वो अचंभित हो गई और मेरे मित्र अधिक। दादी को तो भूख था, बूढ़ी औरत को भूख लगा था, किसी ने पूछ लिया कि खाना खाओगी लस्सी पियोगी तो वो तो अचंभित थी ही कि भिखमंगा को कोई खाना ऐसे नहीं खिलाता है, लेकिन जितना वो अचंभित थी उससे ज़्यादा लेखक के दोस्त मित्र जो थे वो अचंभित हो गए, अरे ये क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, भिखारी को खिलाएगा,
कौन है तुम्हारा, ये छोड़ो भागो हटो भगाओ। इस तरह से, इस भाव से कि एक उलाहना के रूप में, एक मजाक के रूप में लेखक को देखने लगे, अचंभित हो गए कि ये एक भिखारी को पूछ रहा है खाने के लिए, जैसे कि कोई इसका अपना हो। इस यही यहाँ पर लिखे हैं, लेखक का शब्द है कि मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, मेरे मित्र ही ज़्यादा अचंभित हो गए, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपये ही देता। पैसा अगर भीख में देते तो कितना देते हैं, 5 या 10 रुपये देते हैं, लेकिन लस्सी तो 40 रुपये की एक है। लस्सी पिलाएंगे तो एक गिलास तो पिलाएंगे ही, आधा गिलास तो पिलाएंगे नहीं। लस्सी देना मतलब एक गिलास दीजिए, एक गिलास लस्सी का दाम 40 रुपया है और भीख में देते इसको 5-10 रुपया, तो ये 4 गुना पैसा क्यों इस पर खर्च कर रहा है। इसके कारण दोस्त मित्र अचंभित हो गए, इनको घूरने लगे। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। अब हम 5 के बदले 40 रुपया खर्च करने लगे थे, करना चाह रहे थे उस बूढ़ी पर, तो लोगों के नज़र में क्या आया कि बूढ़ी औरत बहुत चलाक है, ये इसको ठग रहा है। तो क्या ये, चूँकि ये यहाँ पर कमेंट किया गया है, व्यंगात्मक ढंग से लिखा गया है, इसका कहने का जो व्यंग के रूप में अर्थ है कि हम 40 रुपया अगर पिला देते हैं तो 40 रुपया मेरे पॉकेट से निकला, खर्च किए हम, तो हम कंगाल हो जाएंगे, मेरा सारा पूंजी घट जाएगा, और वो 40 रुपये की लस्सी अगर पी लेती है तो वो अमीर हो जाएगी। ऐसे ऐसा संभव होता नहीं है, ऐसा थोड़े है कि एक बार हम किसी खाना खिला देंगे तो हम गरीब हो जाएंगे। यानी हमारे लिए उस पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, 40 रुपया हमारे लिए कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन उस औरत के लिए वो 40 रुपये बहुत बड़ी बात थी। उसके लिए वो अमीर तो होता ही, उसका भूख तो मिटता। तो लेकिन दादी कम, अन्य लोग अचंभित हो गए थे। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी, बेचारी भूख भी लगा हुआ था, क्या और कैसे क्यों कहता कि नहीं पियेंगे। कोई पूछे तो भले, कोई किसी ने पूछा ही नहीं कि खाना खाओगी, भूख लगा है कि नहीं, आज खाना खाए भी हो कि नहीं, कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी, कुछ कमी है क्या, कोई तकलीफ है क्या, कहीं दर्द है क्या, कोई पूछने वाला नहीं। इन्होंने कम से कम इतना तो पूछा कि लस्सी पीना है, तो इसलिए वो ना नहीं कह पाई और सकुचाते हुए, और बहुत ही, चूँकि अधिकार तो उनका है नहीं मांगने का, इसलिए वो हामी तो बोल दी कि ठीक है पी लेंगे। और अपने पास, लेकिन इसके साथ ही वो शंका भरी नज़रों से देख रही थी कि कोई व्यक्ति 40 रुपये का हमको क्यों पिलाएगा, लेकिन फिर सोची कि हो सकता है ये 5 के बदले 10-20 देना चाहता हो, तो हमारे पास जो पैसे हैं, चूँकि उस भिखारन में भी स्वाभिमान था, वो भी नहीं चाह रहा था कि कोई हमको फ्री में पिलाए, तो बेचारे डरते डरते अपने पास जो पैसे भीख मांग करके जमा की थी वो पैसे भी निकालने लगी और निकाल करके उनको देने लगे। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर पैसे जमा किए हुए थे वो 6-7 रुपये मात्र इसके पास अभी जमा हुआ था, वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। लेखक को वो 5-6 रुपया जो 7 रुपया बाकी बचा था वो दे दिए कि भाई साहब मेरे पास इतना ही रुपया है, ले लीजिए, आपके कहने पर हम लस्सी ही आज पी लेते हैं, कुछ लगाना है लगा दीजिए, नहीं लगाना है तो इसी पर हम पी लेंगे, 5 रुपये में जितना लस्सी मिलेगा थोड़ा सा भी तो मिलेगा। इसलिए वो अपना पैसा हमारी ओर बढ़ा दिए, यानी स्वाभिमान में वो मुफ्त में नहीं लेना चाह रहे थे, भीख भी मांग रहे थे, बेटा भी समझ रही थी क्योंकि हम उसको दादी कह रहे थे, लेकिन अपनापन तो कुछ था, लेकिन अधिकार नहीं होने के कारण ये अपना पैसा निकाल के दे रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि पैसा लें क्या, नहीं लें क्या करें। मैंने उनसे पूछा ये किस लिए, ये पैसा क्यों दे रही हो, तो बोलती है कि इनको मिलाकर मेरे लिए लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी, मतलब पैसा पूरा आपको नहीं लगे थोड़ा सा हम मदद कर देते हैं, क्योंकि पीना तो हमको है, भूख तो मेरा मिटेगा, तो मेरा भी पैसा है कुछ,
इसको ले लीजिए, इसको मिला करके कुछ दे दीजिए। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था कि स्थिति इतनी दयनीय, फिर भी इतना ख्याल कि कोई हमको क्या कहेगा क्या सोचेगा। रही बची कसर जो थी उसकी, इस बात ने पूरी कर दी कि अभी पैसे भी दे रही है। एकाएक मेरी आंखें छल चला गई, हम रोने पर आ गए और भरभराए हुए गले से ही मैंने दुकानदार वाले से बोला एक लस्सी बनाने को, लस्सी बनाइए बाबू। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। भिखारन थी, उसको इतना हिम्मत कैसे होगा कि सभी लोग कुर्सी पर या टेबल पर या बेंच पर बैठा है तो हम भी सभ्य व्यक्ति के बीच में कैसे बैठ जाए। व्यक्ति वो बूढ़ी औरत को इतना हिम्मत नहीं था कि जो सूट बूट में है, कुर्ते पजामे में है, अच्छे वस्त्रों में बैठे हैं वहाँ पर ग्राहक बन करके, उसके साथ कैसे बैठें। इसलिए वो हीन भावना से ग्रसित होकर थी ही पहले से, चूँकि मांग रही थी तो वहीं पर नीचे बैठ जाना उचित समझी और अपने आप थकी भी थी तो नीचे बैठ गई, जमीन पर बैठ गई। लेखक को ये देखा नहीं गया, क्या कहते हैं कि अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ कि हम भी लाचार हैं, चूँकि ये मेरा घर नहीं है जहाँ हम अपने अधिकार से जहाँ चाहें बैठाएं, किसी और को कहें कि कुर्सी दे दो बैठने के लिए। तो यहाँ पर मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका, क्योंकि आप देखेंगे कि चाय लस्सी के दुकान पर कुर्सी कम भीड़ ज़्यादा होते हैं तो बैठने वाला जगह तो कम ही होता है, तो कुछ लोग बैठते हैं, मैक्सिमम लोग खड़े खड़े लस्सी या चाय का आनंद लेते हैं। तो सब लोग खड़े थे, जितने कुर्सी थी सब उस पर बैठे हुए थे, कुर्सी कोई खाली थी ही नहीं। अब लेखक महोदय यहाँ पर लाचार हो गए, मजबूर हो गए कि अब बैठने के लिए इसको कैसे कहें, एक तो सीट खाली नहीं है, किसी को उठा करके इस बूढ़ी भिखारन को बैठाना ये भी स्वभाव की बात नहीं है, कोई मेरी बात मानने के लिए मजबूर तो है नहीं, कोई क्यों मानेगा, जितना लगाव जितना भावना मेरे अंदर है सबके अंदर तो होगी नहीं। तो इसलिए इन्होंने उनको बैठने के लिए नहीं कह सके, लेकिन कुछ और तो है, इनके पास ऑप्शन है। डर भी था, डर था कि कहीं कोई टोक ना दे कि क्यों बैठाएं तुम्हारे कहने पर, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए कि तुमने क्या सोच करके मेरे बगल में बैठा दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि एक भिखारन को मेरे बगल में बैठा दिया, मेरे में सटा दिया, टच भी हो जाने पर बहुत लोग बुरा मानते हैं। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था, सब लोग तो कुर्सी पकड़े हुए थे, लेखक कह रहे हैं कि मैं भी एक कुर्सी पर तो बैठा था, तो जिस कुर्सी पर मैं बैठा था उस समय तक तो कम से कम उस कुर्सी पर मेरा अधिकार था कि मैं बैठूं या किसी को बिठाऊं। तो ये कह रहे हैं कि लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी कि अरे तुम्हारे सामने वो दादी जिसको बोल रहे हो, वो बुजुर्ग औरत नीचे ज़मीन पर बैठी है और तुम कुर्सी पर बैठे हो, कुर्सी काटने के दौड़ रहा था, काटने लगा, कुर्सी पर बैठा नहीं जा रहा था। अब लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही ज़मीन पर बैठ गया। कुर्सी काट रहा था हमको, हम कुर्सी पर बैठा नहीं सकते थे क्योंकि मेरे कुर्सी पर बैठाने पर सभी लोगों को या किसी न किसी को आपत्ति हो सकती थी, क्योंकि वो कुर्सी मेरा तो था नहीं, दुकानदार का था। दुकान में हम अपना अधिकार जता दें, उनको सबके सामने रख दें, ये जरूरी नहीं कि सबको सहमति हो, सब खुश हो, इसलिए हम नीचे तो बैठ सकते हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। इसलिए वहाँ पर इन्होंने, लेखक ने ये रास्ता चुना कि कुर्सी को हम छोड़ देते हैं, हम भी उस दादी के बराबर ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं। तो लेखक क्या किए, कुल्हड़ लिए लस्सी का, कुल्हड़ का मतलब हुआ मिट्टी का जो बर्तन होता है जिसमें लस्सी रखा जाता है, उस मिट्टी के बर्तन से पीने में बहुत स्वादिष्ट होता है, सुंदर सुंदर स्वाद आता है, स्वास्थ्यकर भी होता है।
तो उस कुल्हड़ को दादी को भी दिया और एक हाथ में अपने लिए भी रखा और जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था, मुझे कोई नीचे बैठने से रोक नहीं सकता था। इससे किसी को आपत्ति भी नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, अरे पागल हो गया ये, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकानदार जो थे, दुकान के मालिक जो थे, उन्होंने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया। दुकानदार का तो अपना मर्जी है, दुकान उसका है भाई, वो किसी को बैठा दे किसी को उठा दे। हम तो नहीं बैठा सकते थे, नीचे बैठ गए, लेकिन हमारी इस भावना को देख करके दुकानदार भी पिघल गया। वो उठे और बूढ़ी दादी को, भिखारन को एक कुर्सी दे करके उस पर उनको बैठाया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा कि ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं किंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं, आप इंसान हैं, आप भी ऊपर आ जाइए, आप भी कुर्सी पर बैठिए।